उधर बड़ी खबर आई लाल सागर में बढ़े टकराव से जुड़ी। वहां गाजा पर इसराइल के हमलों से भड़के हूथी लड़ाकों ने अमेरिका के एक जंगी जहाज पर हमला कर दिया। खुद अमेरिका ने भी इस हमले की पुष्टि की और बताया कि हूथी लड़ाकों ने उसके यूएसएस कार्नी युद्धपोत पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी हूथी लड़ाकों पर पलटवार किया। हूथी लड़ाकों ने अमेरिका ही नहीं लाल सागर में इसराइल के भी माल ढोने वाले दो जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। यही नहीं, हूथी लड़ाकों के हमले में इसराइल के एक जहाज को नुकसान पहुंचाने की खबरें भी सामने आईं। गाजा पर इसराइल के हमलों के विरोध में ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में इसराइल और अमेरिका की नाक में दम कर रखा है, लेकिन अमेरिका के जंगी जहाज को टारगेट करके हूथी लड़ाकों ने उस इलाके में पहले से बढ़े तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। हूथी लड़ाकों ने पिछले महीने भी लाल सागर में एक जहाज को हाईजैक कर लिया था और इसराइल को गाजा पर हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन 7 दिन के सीज फायर के बाद इसराइल की सेना एक बार फिर पूरी ताकत के साथ गाजा पर टूट पड़ी, जिससे हूथी लड़ाके भड़क गए और उन्होंने लाल सागर में इसराइल और जंग में उसका साथ देने वाले अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भी अपने यूएसएस कार्नी युद्धपोत की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की पुष्टि की। पेंटागन के मुताबिक उसके जंगी जहाज पर लाल सागर में बाबल मंदीप गलियारे के करीब हमला किया गया। ये गलियारा यमन और अफ्रीकी देश जिबूती को अलग करता है और अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन के मुताबिक यूएसएस कार्नी के वहां पहुंचते ही हूथी लड़ाकों ने उसकी ओर मिसाइल छोड़ दी। हालांकि दावा किया गया कि वो मिसाइल अपना निशाना चूक गई और अमेरिका के जंगी जहाज से कुछ दूर पहले ही गिर गई, जिसकी वजह से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन हूथी लड़ाके यही नहीं रुके। अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनएन के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत पर हमले के आधे घंटे बाद ही हूथी लड़ाकों ने इसराइल के माल ढोने वाले दो जहाजों पर भी मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया, जिसमें इसराइल के एक जहाज को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आई। सीएनएन के मुताबिक हूथी लड़ाकों ने बाबल मंदीप गलियारे से गुजर रहे इसराइल के यूनिटी एक्सप्लोरर और नंबर 9 नाम के जहाजों को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन दावा किया गया कि चेतावनी के बावजूद जब वो नहीं रुके तो हूथी लड़ाकों ने इजरायली जहाजों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें और कई ड्रोन छोड़ दिए। सीएनएन के मुताबिक इस दौरान वहां गश्त कर रहे अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस कार्नी ने हूथी लड़ाकों की ओर से छोड़ी गई मिसाइलों और ड्रोन को अपने रडार पर पकड़ लिया और फौरन एक्शन लेते हुए 3 ड्रोन और 1 मिसाइल हवा में बर्बाद कर दी। लेकिन खबरों के मुताबिक हूथी लड़ाकों की दागी गई 1 मिसाइल इसराइल के नंबर 9 जहाज पर जा गिरी, जिसकी वजह से उसे काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इस हमले में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं आई। लेकिन इन हमलों के बाद अमेरिका गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने हूथी लड़ाकों के साथ उनकी मदद करने वाले ईरान को भी आड़े हाथ लिया और दो टूक कह दिया कि लाल सागर में ईरान के इशारे पर फैलाए जा रहे इस आतंक का फन कुचलने के लिए अमेरिका सख्त से सख्त कदम उठाएगा। पेंटागन ने आरोप लगाया कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने माल ढोने वाले जहाजों को निशाना बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया, क्योंकि अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर हिंद महासागर में एंट्री का रास्ता खोलता है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है और वहां से हर साल करीब 17,000 जहाज गुजरते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि रोजाना करीब 50 जहाज लाल सागर से गुजरते हैं और इनमें इसराइल और अमेरिका के जहाज भी शामिल हैं। लेकिन हूथी लड़ाकों के एक्शन से साफ है कि वहां आने वाला कोई भी जहाज खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पिछले महीने भी हूथी लड़ाकों ने लाल सागर के रास्ते तुर्की से भारत आ रहे एक जहाज को हाईजैक कर लिया था और करीब 15 दिन बीतने के बाद भी उस जहाज को छुड़ाया नहीं जा सका और ना ही हूथी लड़ाके उसे छोड़ने को राजी हैं, क्योंकि उनका दावा है कि 19 नवंबर को अगवा किया गया गैलेक्सी लीडर नाम का जहाज इसराइल का है। हालांकि इसराइल उस जहाज को अपना मानने से इनकार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद हूथी लड़ाकों ने गैलेक्सी लीडर जहाज और उस पर काम करने वाले 25 कर्मचारियों को अब तक अपने कब्जे में रखा है। और इसी बीच लाल सागर में दोबारा उनका एक्शन दिखाई दिया। इसराइल के जहाजों को निशाना बनाने के बाद हूथी लड़ाकों ने एक बार फिर इसराइल को ललकारा। यानी गाजा में हमास के लड़ाकों से निपटने में जुटे इसराइल के लिए लाल सागर में भी मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि हूथी लड़ाकों ने धमकी दी कि आने वाले दिनों में वो इसराइल के जहाजों का लाल सागर से निकलना तक मुहाल कर देंगे।